हेलो गाइस, आई एम दानिश खान और आज हमारा नया टॉपिक है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। और ये पूरा चैप्टर हरप्पा सिविलाइजेशन पर आधारित है, 12th क्लास की हिस्ट्री है। मुझे लगता है आप बहुत एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, सो स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, द हरप्पा सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेड ऑफ द स्टोन कॉल्ड स्टीयरटाइट सील्स लाइक दिस वन ऑफ्टन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसअपीयर्ड। इसका मतलब यह है, जो हरप्पा सिविलाइजेशन है उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती थी, और वो पुरानी चीज़ें हैं सिम्बल्स जो स्टीयरटाइट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। स्टीयरटाइट को हम हिंदी में कहते हैं सेल कड़ी, इसका नाम है हिंदी में, उस नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। और इन सिंबल्स में बहुत सारे जानवर बनाए जाते थे, और ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करा गया है जो आज तक किसी के समझ में नहीं आए। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर लिखा है, येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव इन द रीजन फ्रॉम वॉट दे लेफ्ट बिहाइंड, द हाउस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पर रहते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, पोर्ट्स हुआ, ऑर्नमेंट्स हुआ, टूल्स हुआ, जो आज के टाइम में प्रूफ है हड़प्पा सिविलाइजेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, ये एक अकेला प्रूफ है। आगे कुछ मामूली सी बात लिखी है, इसमें लिखा है, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कोलॉजिस्ट मटेरियल इज इंटरप्ट एंड हाउ इंटरप्शन समथिंग चेंज। Of course, there are some aspect of civilization they are as yet unknown and may even remain so. इसका मतलब ये है, हम कितना हरप्पा सिविलाइजेशन को जानते हैं और कितना जानेंगे, और मानना है कि कुछ हरप्पा सिविलाइजेशन के फैक्ट अभी भी पाए नहीं गए और लगता है कि कभी आगे पाए भी नहीं जाएंगे। There were several archaeological culture in the region period of the Mohenjo Harappa. This culture was associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism, and some craft settlement was generally small and there were virtually no large buildings. It appeared that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from a large-scale burning at some sites as well as the abandonment of certain settlements. इसका मतलब यह है कि जो हड़प्पा है उसमें बहुत सारी कल्चर पहले पाई गई थी, ठीक है। अब इस कल्चर के बारे में हमें पता कैसे चलता है, पोट्री से, एविडेंस से, एग्रीकल्चर से और पेस्टोरलिज्म से। और ये देखा गया है कि वहाँ पर जो मकान थे वो हमेशा छोटे आकार के होते थे, बहुत कम, बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स थी, ऐसे मकान थे जो बड़े थे। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म होगा और दूसरा पार्ट हम कल बनाएंगे। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक